अब जिस क्षेत्र के लोगों के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में और संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे, ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और इस राज्य का नाम है मणिपुर। जो शास्त्रीय नृत्य शैली इस राज्य से जुड़ा हुआ है, वहाँ पनपा है, वहाँ का लोगों का अपना है, वो है मणिपुरी नृत्य शैली। मणिपुर, मणि यानी के माणिक, रत्न जो कि बहुत ही अमूल्य और सुंदर होता है, और पुर यानी कि जगह है, यानी कि ऐसी जगह है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो। आज इस नृत्य शैली मणिपुरी के बारे में हमको और विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं इस शैली के प्रमुख गुरु, पद्मश्री गुरु सिंहजीत सिंह जी। ये हमारा सौभाग्य है गुरु जी कि आप हमारे साथ हैं आज, और इस शैली के बारे में आपसे अच्छा कौन हमें बता सकता है। मैं अपना ही सौभाग्य समझता हूँ गीता जी कि आपसे, बच्चों से बात करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपने सही कहा, मणिपुर के नाम के बारे में ही वहाँ लोग जाएंगे, जैसे हमारे ये बच्चे जाएंगे या कोई भी आप जाएंगे, तो हो सकता है मणि तो नहीं मिले लेकिन नृत्य रत्न अभी भी उपस्थित है, विराजमान है, वहाँ से अलग नहीं हो सकता। अच्छा, इस यहाँ पे एक पूछें, आप में से कौन कौन गया मणिपुर? नहीं गया। कोई नहीं। अरे, मैं भी नहीं गई मणिपुर। तो ये तो सब गुरुजी से ही पूछना पड़ेगा, वहाँ के पूरे जीवन के बारे में, उनके लोगों के बारे में। पहले तो हमें आप ये बताइए कि इस शैली की जो इतिहास है, जो एक लंबा सफ़र इसने तय किया है आज के मकाम तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में बच्चों को बताइए आप। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बता सकते हैं कि नृत्य, कोई भी नृत्य कितना पुराना है, कब आरंभ हुआ, एक कोई भी नहीं बता सकता। ये तो इतिहास से पूर्व, हमारे मानव स्मृति से भी पूर्व का है। जैसे जैसे मानविक सभ्यता का उद्भव हुआ, साथ ही साथ नृत्य का भी उद्भव हुआ। हाँ, बीच में परिवर्तन आए, कई संशोधन हुए, वो तो स्वाभाविक है। मणिपुर में कोई ऐसा, पारंपरिक रूप से देखा जाए तो कोई भी नृत्य ऐसा नहीं है जो मनोरंजन मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। नृत्य होगा, उसमें मनोरंजन होगा, सुंदरता होगी, वो स्वाभाविक है। अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करते थे, इसलिए लोग मानते हैं कि मणिपुर निवासी कुछ न कुछ नृत्य कर सकते हैं पूजा के रूप में। 18वीं शताब्दी में खास करके रास नृत्य शुरू हो गया, संकीर्तन शुरू हो गया। रास मंडप पे संकीर्तन के लिए या तो मंदिर के मंडप पे होगा, या तो मणिपुर में ये भी होता है कि जितने भी घर बने हैं उनके सामने एक प्रांगण बना हुआ होता है, एक स्थान रखते हैं नृत्य के लिए। और कोई भी मणिपुर के निवासी जो देखने को जाते हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं जाते। कोई नहीं कहते मैं नृत्य देखने जा रहा हूँ, संकीर्तन देखने जा रहा हूँ। सब कहते हैं कि मैं संकीर्तन के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, रासलीला के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और दर्शकों को वहाँ ऑडियंस नहीं कहते, भावुक, जो भाव रस समझते हैं, जो रसग्राही है, रस को समझ सकते हैं। इतना कुछ इस सुंदर शैली के बारे में जानने और आगे जानने के लिए हमें इस शैली को देखना पड़ेगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा, और इसकी पहचान क्या है, सही पहचान क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। पारंपरिक मणिपुरी है, उसकी एक झलक हम देख लें। हम चारों जी से अनुरोध करते हैं, वे एक उदाहरण हमें प्रस्तुत करें। अभी चारू जी जो प्रस्तुत करेंगी वो कौन से रास से है? ये बसंत रास से है, राधा अभिसार का एक छोटा सा हमने हिस्सा लिया है, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर राधा जी आ गई यमुना तट पर। तो राधा अभिसार होता तो बहुत लंबा है, हमने इसको छोटा कर दिया है। Oh,
मणिपुरी नृत्य के साथ संगत करने वाले जो वाद्य हैं वो बाकी शैलियों से बहुत ही भिन्न हैं, अलग हैं, सुनने में भी बहुत अलग लगते हैं। आप इनके बारे में ज़रा हमें बताइए। जितने भी नृत्य शैलियाँ हैं अलग अलग वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। भारतीय संगीत परंपरा में 2-4 प्रकार के, कई प्रकार के वाद्य यंत्र माने गए हैं। तत् अवनद्ध घन सुशीर, अवनद्ध में प्रमुख हैं पुंग, एक प्रकार का मृदंग है पुंग, और कई लोग इसको बंगाली खोल से मिलता जुलता समझते हैं, लेकिन नहीं है। ना तो बनावट में, ना तो आवाज़ में, ना तो बजाने में, वो अलग ही शैली है बजाने की भी। जैसे यहाँ रखा हुआ है, दो पुंग हैं हमारे सामने, और गाने वाले जो है स्वयं ताल देते हैं। जैसे रास में मंजरे, छोटे छोटे मंजरे बजाते हैं, उसको मणिपुरी भाषा में मंदिला बोलते हैं, हम मंजिरा नहीं बोलते, मंदिला। हाँ हाँ, ये घन यंत्र में। और इसके बड़े आकार के भी एक होते हैं, उसको करताल बोलते हैं, जो संकीर्तन वाले बजाते हैं, पुरुष वर्ग बजाते हैं। और सुशीर में बांसुरी तो सभी शैलियों में बजाते हैं, सभी शैलियों में बजाते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। जो मणिपुर में जो तालों का प्रयोग होता है वो बहुत विकसित है, और बहुत ही इसके कई प्रकार हैं। कहा जाता है कि लगभग 60 ताल हैं मणिपुरी शैली में जो प्रयोग में लाए जाते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा हमें। जी, आपने ठीक बताया, ताल बहुत ही विशाल है। जो आपने ठीक बताया, 60 बल्कि ज़्यादा ही होगा, जहाँ तक मेरे समझ में है। लेकिन आजकल के दैनिक प्रयोग में 60 तो जरूर आता है, लेकिन नाम हमें मिला है 100 के लगभग। गुरुजी, क्या मणिपुरी नृत्य की तालों में कोई खास बात है क्या? क्या आप हमें उसके बारे में बताएंगे? हाँ, खास बात तो बच्चे, ताल तो होता वही है, परंतु इनका एक्सप्रेशन जो है ताल का, और इनका झोंक जो है, जहाँ जान आता है, उसका कई प्रकार से भिन्न है। जैसे उत्तर भारत में हुआ दादरा, और दक्षिण भारत में त्रिशूल जाति के कई रूप दिखाए गए हैं। धिन तेन ता घिन धिन धिन, वैसे सुनने में पता नहीं चल, दादरा जैसा नहीं लगता कुछ। होने को तो 6 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसका एक्सेंट जो है कुछ अपना एक अलग ही ढंग से आता है, जोर जहां लगता है। जी जी, जहां जोर लगता है, और कुछ तो जोर विकसित है, कुछ तो छुप कर होता है जो कि विकसित नहीं है, वो मणिपुरी में इसका बड़ा प्रयोग होता है। और एक बताता हूँ, आप समझ लीजिए, मिश्र जाति का समय, तांग खित खित तांग, सुनने में साधारण मिश्र जाति जैसे नहीं लगता, अगर देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। एक ताल है कोकिल प्रिय ताल, नाम बहुत सुंदर है, ताल भी सुंदर है। खिर क्र क्र, दो ताली ताली एक, उसके बाद 3 ताली, 1 2 3, एक खाली, यहाँ तक एक संपूर्ण आवर्ती हो गई, फिर से एक ये शुरू हो रहा है। दो ताली बजाया, एक खाली हो गया, फिर एक ताली बजाएंगे, फिर 3 ताली बजाएंगे, 1 2 3, फिर खाली हो गया, ये भी एक ताल है। इस तरह से कई ताल है, वह ब्रह्म ताल है, विष्णु ताल है, लक्ष्मी ताल है, और रुद्र ताल है, पंचम सवारी है, इसके अतिरिक्त बहुत ताल है। कई नाम बता रहा हूँ जो कि इस तरफ भी है इस नाम के। गुरु जी, क्या आप हमें एक ताल सिखाएंगे? हाँ जरूर सिखाएंगे सिखाएंगे, एक सरल ताल सिखाते हैं, चाली। आप बोलेंगे मेरे साथ, धिन
तेन ता खिता धेन ता धिन तेन ता खिता धेन ता धिन ते तीन ताली बजाइए खिता धेन ता धिन तेन ता खिता धेन ता धिन तेन ता खिता धेन